हरे कृष्ण। हम जो जीव आत्मा है, हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। और एक आत्मा का भगवान कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध है। किसी कारणवश जब आत्मा इस दुनिया में आता है, तो वो जो प्रेम है, आत्मा के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो भी इस दुनिया में आता है और दूषित हो जाता है। जैसे बादलों का शुद्ध पानी जब जमीन को छूता है तो कीचड़ बन जाता है, दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसी तरह शुद्ध प्रेम जब इस दुनिया के दलदल में आता है, कीचड़ में आता है, रजोगुण में आता है, रजोगुण से मिक्स होता है, तो वो दूषित हो जाता है और वो काम बन जाता है। प्रेम प्लस रजोगुण इज इक्वल टू काम। काम मतलब लस्ट। काम मतलब कोई वस्तु को भोग करने की तीव्र इच्छा, उसको काम कहते हैं। अगर बच्चे को आइसक्रीम चाहिए और तीव्र इच्छा है आइसक्रीम की, रो रहा है मुझे आइसक्रीम चाहिए, उसको आइसक्रीम के प्रति काम कहते हैं, लस्ट कहते हैं। अगर लड़के को आईफोन चाहिए, बहुत तीव्र इच्छा है, वो काम है। या किसी लड़के लड़की को एक दूसरे को स्पर्श करना है, वो भी काम है। काम सिर्फ सेक्स नहीं है, वो एक तरीका है, लेकिन बाकी मैथुन के अलावा भी जो भोग करने की इच्छा है उसको काम कहते हैं। तो जब मन में काम होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने का, भोग करने का, और वो तीव्र होता है, काम मतलब तीव्र इच्छा, तो आदमी कुछ कोशिश करता है उस काम को पूरा करने के लिए। उस कोशिश को कहते हैं कर्म। काम को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं। अभी जब हम कर्म करते हैं काम को पूरा करने के लिए, तो या तो हम सफल होंगे या तो असफल होंगे। बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो रोएगा, पिताजी को बोलेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए। या तो सफल होगा, पिताजी दे देगा, या तो असफल होगा, पिताजी नहीं देंगे। तो जब हम असफल होते हैं तो वो काम बन जाता है क्रोध। बच्चे को जब आइसक्रीम नहीं मिलता है तो उसके मन में क्रोध आ जाता है, वो ज्यादा रोता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। जब सफल हो जाता है, जब बच्चे को मिल जाता है, तो वो खुश हो जाता है, आंसू वापस चले जाते हैं, और वो क्या बोलता है, थैंक यू पापा। नहीं, वो बोलता है वन मोर पापा, मुझे एक और चाहिए। तो जब काम सफल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वो बन जाता है लोभ। जब काम पूरा नहीं होता है तो वो बन जाता है क्रोध, लस्ट, एंगर, ग्रीड। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये काम क्रोध लोभ क्या है, ये सुपर एक्सप्रेस हाईवे है, स्ट्रेट हेल, नरक के द्वार है। आप दुनिया में देखो, न्यूज़पेपर में, समाचार में आता है, पत्र में, अखबार में, इतने सारे पाप होते हैं, मर्डर होता है, बलात्कार होता है, खून होता है, फ्रॉड होता है, घोटाला होता है। तो जो भी पाप होते हैं ये इन तीनों के कारण होते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड। काम के कारण बलात्कार होता है, लोभ के कारण घोटाला होता है, क्रोध के कारण मारपीट और खून होता है। तो ये नरक के द्वार है, क्योंकि आदमी पाप करता है इनके शक्ति से। काम क्रोध लोभ हमारे हृदय में भरे पड़े रहते हैं। अभी अगर मेरे मित्र के सामने मेरा काम पूरा हो, मेरा इच्छा पूरा हो, तो मुझे अहंकार आ जाता है कि आई एम बेटर, मुझे सफलता मिली। मेरे मित्र के सामने, मेरे सामने मेरे मित्र का काम पूरा हो, उसकी इच्छा पूरा हो, तो मुझे ईर्ष्या हो जाती है कि उसको मिला मुझे नहीं मिला। तो इसी काम से ईर्ष्या और अहंकार भी पैदा होता है और आदमी पूरा माया में पड़ जाता है। ये छह अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य।
मद मतलब अहंकार, मत्सर्य मतलब ईर्ष्या, ये छह अनर्थ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। और इससे आदमी पाप करता है, इससे मन अशांत होता है, इससे जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए हर शास्त्र में बताया गया है, हर गुरु ने, आचार्य ने, साधु ने सिखाया कि ये छह अनर्थ है। अनर्थ मतलब गंदे चीज जिसका कुछ फायदा नहीं, अर्थ मतलब फायदा, अनर्थ मतलब नो फायदा, नो प्रॉफिट। तो ये छह हमें कम करने हैं, हमारे हृदय का मार्जन करना है, साफ सफाई करना है। और इसका एक ही तरीका है, वो है भगवान का नाम लेना। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो झाड़ू मारते हैं, वो हमारा हृदय साफ करते हैं। काम, क्रोध, लोभ वगैरह सब चला जाता है, व्यक्ति पवित्र हो जाता है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम पवित्र है। भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है। देखिए, ये बहुत स्पेशल शक्ति है। अगर मैं बोलूँ आम आम आम, मैंगो मैंगो मैंगो, तो मुझे कुछ मीठा मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि आम फल और आम नाम, आम शब्द, इसमें फर्क है। अगर मैं पानी 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 बोलूँ तो मुझे मेरा प्यास नहीं बुझेगा, क्योंकि पानी शब्द और पानी वस्तु में फर्क है। लेकिन जब मैं कृष्ण कृष्ण राम राम कहता हूँ, तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के राम के संपर्क में आ जाता हूँ, क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति ये दो नहीं है, ये एक ही है। राम नाम और राम व्यक्ति ये दो नहीं है, ये एक ही है। तो ये स्पेशल शक्ति है, विशेष शक्ति है। इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण करने से भगवान हमारे जीभ पे आ जाते हैं, हम उनके संपर्क में आ जाते हैं, और इससे हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। तो ये हमें कोशिश करना चाहिए, रोज़ भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और ये सब अनर्थ मिट जाएंगे, पाप मिट जाएगा, और जीवन खुशहाल हो जाएगा, और आखिर में हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो कलयुग में ये बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान के नाम का उच्चारण करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।